जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नैक्स। मौर्य स्नैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सूचना मिली है गोंडा डिस्ट्रिक्ट के, ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है आपका? रीमा गांव से मौका पे हम पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं जस्ट सामने किराना स्टोर है और इसी के सामने खेत में कोबरा स्नेक दिखा है जो कि बिल में छिपा हुआ है। तो लोगों के द्वारा सूचना दी गई, मौका पहुंचे, उन्हें रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू करके सुरक्षित फॉरेस्ट में रिलीज किया जाएगा। तो मौका पे पहुंच चुके हैं, चलते हैं खेत की तरफ। चलो रुकी वीडियो नहीं, रोक दी नहीं, चले दी चले दी चलो तो चलते हैं खेत की तरफ। सबका वीडियो बन जाए। वही ना है। तो आप देख सकते हैं ये सामने बिल है जिसके अंदर कोबरा स्नेक गया हुआ है। तो यहाँ पे खुदाई करके उन्हें निकालने का प्रयास करते हैं। आप इधर आ जाएं, इधर उधर जाओ जनरेटर, उधर से सफा दिखाई ना। हाँ, ठीक उधर से सफा ना दिखाई। तो इस साइड आ जाए, दिल में एकदम पूरा जून के कैमरा दिखाई दे रहा है। मारो भाई, थोड़ा सा फोड़ लेते थे, निकाल लेते आगे से। हाँ जाओ, आऊंगा दुकानी में बैठा हो। हाँ यही में है, बहुत करेंगे खता रहे हुए। हाँ बहुत बढ़िया है, देखो ना उड़े वाला हुआ है। अब भाई है आधा घंटा पहले मीटर लगाए, मुंह बंद किए हैं। हाँ इधर कहीं नहीं है, उधर नहीं देखा। मेढ़ावा में हुए उस जगह पर हुए भी लिया यार, मेढ़ावा में जगह बनाए। समस्या ये होती है ना, डर रहता है कटने का। अरे वो और गहरी हुई हुई तो हमारे तिरछे गए कहीं तक दूर भरे में भी लिया कहीं निकल रहा है। पना पना हुए लंबा गए हुए बिलिया, मुसोई चाले रहा था ना। वाह वाह देखो, वहीं चलवा दी का सारे का तो दिक्कत कम से कम 10-15 दिन लग जाता है, और घायल होने पे ज़्यादा रिस्क होता है, काटने का खतरा बना हुआ रहता है। रोक ले कहाँ से रुकी था हरी चालू कर दिया, वीडियो चालू कर दियो। जूम करके एकदम कैमरा जूम करी किल चला। हाँ चला, तो वहीं रहा। आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाग हमें यहाँ पे दिख चुका है। देखा हुआ बैठा रहा है, बनाया भी पास में छुपा हुआ है। एक तगड़ा है, और वेब भी बनाई बड़ा है, दिखा रहा हूँ। अरे करिया बहुत है हो, अब अगर कुछ देर देखेंगे वो चुप जाएंगे। वो कह रहे हैं वो पता बताओ आप कहाँ से है, तो नागी नहीं लेकिन ले पूरा दहिया एकदम। अरे फंड वैसे सीधा निकल जाए।
जून तक कमरा किलिया देखो तो हम कोबरा स्नेक को लेके चलते हैं बाहर को तरफ ये देखो क्या करो यार तेज रखो उधर से हम हुए थे इधर धमिनो वाले पकड़वा जो नहीं धमिनो वाले पकड़वा तो पकड़ ले जाएगा पब्लिक का दिखाओ कि ये मतलब शेर के नाचे भाग है आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कोबरा को देखने के लिए आप देख सकते हैं आप लोग दो मिनट शांति का सहयोग करें तो आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाग यहाँ पे सुरक्षित छिपा हुआ था शिकार के चक्कर में आया था और चूहे के बिल में गया हुआ था चूहे को पकड़ने के लिए किंतु लोगों की निगाह पड़ गई और लोगों के द्वारा सूचना दी गई और हम मौका पे पहुंचे ने रेस्क्यू किए हैं और आप देख सकते हैं ब्लैक कोबरा इतना काला है कि इसकी पूरी शरीर यहाँ तक कि पेट भी इसका काला है ऐसे कोबरा स्नेक बहुत कम ही पाए जाते हैं सो कोबरा स्नेक में से एक ब्लैक कोबरा पाए जाते हैं और इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो कि बाइट करते हैं तो नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और देखते ही देखते एक से डेढ़ घंटा में इंसान की मौत हो जाती है तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि दुर्भाग्य से अगर ऐसे ही किसी को बाइट कर जाए काट लें तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना होता है क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिन नाम के जहर से लैस होते हैं जैसे ही बाइट करते हैं नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम डैमेज होता है इंसान की जिंदगी आफत में पड़ जाती है ऐसे दुर्भाग्य से किसी को ये बाइट करे तो झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल की तरफ जाना होता है क्योंकि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ने पे आसानी से मौत हो जाती है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब कोई बीमार होता है किसी का एक्सीडेंट होता है हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं किंतु जब ये जहरीला स्नेक शरीर के अंदर जहर को डाल देता है तो हम लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं तो ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करना है क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर पड़ने पे मौत हो सकती है हम इस नागराज को पैक करेंगे और लेके चलेंगे इनके वास्तविक घर फॉरेस्ट में क्योंकि इंसानी बस्ती के जीव नहीं है किंतु भोजन के चक्कर में और सुरक्षित आशियाने के चक्कर में हमारे घरों में शरण ले लेते हैं हमारे खेत खलिहानों में आया करते हैं क्योंकि वहाँ पे चूहे पाए जाते हैं राज
अपने पास इकट्ठा हुए सभी लोगों को ठंडा करी ना तब रुका देख रहे हैं। इनके नाम से समाज में एक अंधविश्वास है कि बिन बजाया जाता है तो कोबरा स्नेक डांस करता है। इसके पास कान नहीं होता, जब ये बीन को सुन ही नहीं सकता तो ये डांस क्यों करेगा। लेकिन क्या होता है कि जब बीन बजाई जाती है तो मेरा बीन बजाता है तो कुत्ता डंडी हिलाता है और उसी डंडी को बाइट करने काटने के चक्कर में घूमता रहता है। लोग कहते हैं कि डांस कला आप देख सकते हैं, हम इसके आस पास घूम रहे हैं और ये जिधर जा रहे हैं ये घूमता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नागिन डांस क्या है, आप देख सकते हैं कभी इसका ध्यान एकाग्र नहीं है, ये लोगों को देखने में भिड़ा हुआ है किंतु आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं जिधर छड़ी जा रही है उधर ये घूम रहा है। तो इसी को सबसे पहले लोग नागिन डांस बताते हैं। हाँ उस छड़ी को काटने के चक्कर में घूमता है, लोग बताते हैं नागिन डांस का। हालांकि सही चीज ले ले लीजिए सर, लड़कियों के लिए होगा तब तो पता लगे गाँव यूट्यूब पर सबका यूट्यूब पर आए सभी देखियो इन्हें सर्च कर लियो। हमारा यूट्यूब में चैनल हम मौर्य कैमरा चालू है माली, सर्च करके वीडियो कैमरा चालू है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो हम नागराज को पैक करेंगे क्योंकि ये भीड़ को देख करके काफी डरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हम संकट में घिरे हुए हैं। हम इसमें डराने जैसा भाई अब कहो में जाए। तो हम इन्हें पैक करेंगे क्योंकि ये परेशान है। भीड़ को पढ़ने के लिए रास्ता बंद हो गया है तो इनका कहाँ रिलीज कर रहा था। तो हम नागराज को रखते हैं थैले में और लेके चलते हैं इनके वास्तविक घर फॉरेस्ट में। तो रिलीज कहाँ कर हुए था? आप देख सकते हैं इसने खुशी खुशी पहले के अंदर आ चुका अपने सेफ्टी और सुरक्षा को समझते हुए। रोक दी हिम्मत है अब कपड़ा जाली नहीं है तो हम नागराज को रखते हैं डिग्गी में और लेके चलते हैं इनके वास्तविक घर फॉरेस्ट में। ठीक है रखें आप गवर्नमेंट सर्जेंट है सत्य बच्चा नहीं था ये बार गवर्नमेंट सर्जेंट सफेद बच्चा नहीं है चीटा नहीं पकड़ पाएंगे मुझे मका हिरन नहीं पहुंचे यहाँ टीकर मेरी टीकर मेरी किसी ना किसी आ रही तो पता ही नहीं है आप तो आए बाहर आए जय हो।